हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजेफ मीडिया। दोस्तों, अगर आप भी कार्तिक आर्यन को एक चॉकलेट बॉय, कॉमेडियन या लवर बॉय की कैटेगरी वाले एक्टर की लिस्ट में रखते हैं, तो फ्रेडी मूवी देखने के बाद आपके ख्यालात एकदम से पलट जाएंगे। क्योंकि भाइयों और बहनों, कार्तिक आर्यन ने जिस तरह की इनोसेंट, लवली, टैलेंटेड डेंटिस्ट इन वाले के रोल को निभाया है, पूरी मूवी में आप अपनी सीट से एक सेकंड के लिए भी हिल नहीं पाओ। दिस इज वन ऑफ द कार्तिक आर्यन फाइनेस्ट एक्टेड मूवी। द डायरेक्शन इज ऑल्सो वेल अप्रिशिएटेड, क्योंकि जिस तरह की एक्टिंग कार्तिक आर्यन ने की है, इसका थोड़ा क्रेडिट तो डायरेक्टर को भी जाता है। तो ना आजकल की बॉलीवुड मूवी में डायरेक्टर पता नहीं एक्टर से क्या क्या निकलवा रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? तो दोस्तों, फ्रेडी की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि फ्रेडी शादी के लिए एक लड़की तलाश रहा होता है, लेकिन सारी लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देती है और वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उसका फायदा उठाने के लिए कुछ लोग ऑलरेडी रेडी रहते हैं। इसी बीच उसकी दोस्ती एक लड़की से होती है जो कि शादीशुदा होती है, और उसका हस्बैंड उसे काफी ज्यादा मारता है, और ये सब कार्तिक आर्यन यानी फ्रेडी देख नहीं पाता है। और वो उसे उसके हस्बैंड से छुटकारा दिलाने के लिए एक उपाय ढूंढ निकालता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो लड़की उसे चीट कर रही है, उसका कहीं ना कहीं से एक बॉयफ्रेंड पैदा हो जाता है। तो फिर क्या दोस्तों, फिर बदला शुरू हो जाता है। लेकिन सब में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, वो देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और ये कमजोर फ्रेडी अपने आप को किस तरह से बचाता है और किस तरह से अपना बदला लेता है, ये सब जानने के लिए आपको एक बार मूवी जरूर देखना चाहिए। आप निराश बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो बात करें अगर इस फिल्म के अन्य कैरेक्टर्स की, तो इस फिल्म में कई ज्यादा कैरेक्टर्स तो नहीं है, लेकिन जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्होंने अपने रोल को बखूबी निभाया है। साथ ही साथ फिल्म का म्यूजिक भी काफी ज्यादा जबरदस्त है। इस फिल्म के म्यूजिक के जो लिरिक्स लिखे हैं, वो लिखे हैं इरशाद कामिल ने। दोस्तों, फ्रेडी मूवी पूरी तरह से थ्रिल से भरी हुई है। सो दोस्तों, मेरी तरफ से इस फिल्म और स्पेशली कार्तिक आर्यन की सुपर एक्टिंग के लिए एक बिग थम्स अप है। दोस्तों, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे घर बैठे देख सकते हैं, अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन है तो। दोस्तों, अगर आपने मूवी देख ली है और आप भी कार्तिक आर्यन के फैन हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।